कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 18 अध्याय 14 सरल अवकलन प्रश्न क्रमांक दूसरा एफ ऑफ एक्स बराबर इसे एक्स की घात ऋण 5 को प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलित कीजिए। हम मान ले रहे माना कि एफ ऑफ एक्स बराबर इसे इसको हमने मान लिया माना एफ ऑफ एक्स बराबर इसे क्या एक्स की पावर -5 तब एफ ऑफ एक्स प्लस एच मीन्स एक्स प्लस एच होल रेस टू -5। जब हम डी बाय डी एक्स को ज्ञात करेंगे डी बाय डी एक्स एफ एक्स को ज्ञात करते हैं तो हम इसको लिखते हैं लिमिट h tend to 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बटे एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच मीन्स एक्स प्लस एच होल पावर -5। हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लेकिन केवल राइट साइड लिखे तो क्या लिखेंगे लिमिट एस टेंड टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच मीन्स एक्स प्लस एच होल रेस टू -5 एफ ऑफ एक्स। अब हम में से सब जानते हैं कि इस एच को अगर कन्वर्ट करना चाहे तो हम अगर एक्स प्लस एच माइनस एक्स लिख दे तो ओवरऑल वैल्यू एच ही रहेगी और ऐसा लिखते से ही हमारे पास एक फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। फार्मूला क्या है फार्मूला कुछ इस प्रकार से है कि लिमिट यदि एक्स टेंड टू ए हो एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन हो बटे एक्स माइनस ए हो तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखते एन इंटू क्या एक्स रेस टू एन इंटू क्या ए रेस टू एन माइनस वन। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे इसको देखिए हम इसको लिख सकते -5 एक्स रेस टू -5 -1 इक्वल टू माइनस क्या लिखेंगे -5 ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो एक्स रेस टू -6 तो किसकी वैल्यू आ गई ये हमारे पास आ गई एफ डेस एक्स की वैल्यू। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष कल धन्यवाद।